नाम है भाई तुम्हारा? अंकित चौधरी। कहाँ से आप दोस्त? कैलाश मोड़ सिकंदरा। अच्छा, पहले दिन का पेपर बहुत इजी था भैया, बस थोड़ा बहुत टाइम लगा था मैथ में। अच्छा, मैथ कैलकुलेटिव आ रहा है या मतलब टफ क्वेश्चन है? पर ज्यादा हार्ड भी नहीं है, पर जो टाइम लग रहा है सिर्फ मैथ में लग रहा है। अच्छा, तो ये बता दो जैसे जीके का जो सेक्शन है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है? ज्यादातर वो पूछ रहे हैं खेल से, ये कौन सा कप है। अच्छा, ऐसे कितने क्वेश्चन होंगे? दो तीन है और ज्यादातर पुरस्कार वाले। अच्छा, पुरस्कार वाले मतलब स्टैटिक जीके टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। करंट अफेयर्स कितनी आई है? करंट अफेयर्स तो आपके 7-8 क्वेश्चन आए। 7-8 क्वेश्चन आए 20 में से? तो आपने कितने अटेम्प्ट करे टोटल? मैंने 20। अच्छा, रीजनिंग कैसी आई? रीजनिंग और तुम भी क्या पेपर? रीजनिंग सबसे इजी थी। तुम भी आ जाओ इधर। तो तुम्हें कैसा लगा पेपर का लेवल? बढ़िया पेपर है भैया। कितने क्वेश्चन करे? मैंने करे मतलब 67 सवाल। 67। तो सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा लगा? इजी जैसे जीएस लगभग हर कोई ना थोड़ा बहुत पढ़े, स्टैटिक और करंट पढ़ के आवे तो है जाएंगे 10-12 सवाल तो। और हिंदी तो कोई भाषा से संबंधित पूछ रहा होगा? बिल्कुल, जैसी हमेशा आती है वैसे ही। एक संधि को सवाल हो, एक मुहावरा। अच्छा, इस बार संधि पूछी है इसने? तो पहली बार है संधि, कभी भी SSCGD में संधि वगैरह पूछन। अच्छा, और रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन है? रीजनिंग के सही सवाल है। मैथ रीजनिंग तो सर ऐसा है, जिस लड़के ने 2 से 3 महीने प्रैक्टिस की होगी, मैं कह रहा हूँ 40 में से 38 नहीं मारेगा, वो 40 ही मारेगा। अच्छा, तो मैथ के वैसे सवाल किस टाइप के, कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं? तो रीजनिंग बिल्कुल इजी थी। नहीं, इजी तो आ रही है, कौन से टॉपिक से आ रही है? कौन से जैसे टाइम एंड वर्क पूछ रहा है? टाइम एंड वर्क से भी दो पूरी अर्थमेटिक आ रही है, एडवांस भी पूछ रहा है कुछ, ज्योमेट्री वगैरह, एलजेब्रा कुछ चाहिए? पूरा अर्थमेटिक है। रीजनिंग में दो किसका? अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे। अच्छा, एडवांस का किसमें से था? एक क्वेश्चन था और टू डी वगैरह का था। अच्छा, मतलब जी के भी स्टैटिक टाइप का ही पूछ रहा है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो पेपर का ओवरऑल अगर हम लेवल देखें तो कैसा होगा, क्या कह सकते हैं? इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं, हार्ड लेवल तो नहीं कह सकते हैं। तो नॉर्मली अगर तुम किसी को सजेस्ट करो कि जो अगली शिफ्ट में पेपर हो क्या पढ़ के आना चाहिए? स्टैटिक पढ़ के पहले रखनी चाहिए, स्टैटिक। अच्छा, स्टैटिक में कौन कौन से टॉपिक तुम्हारे हिसाब से? घराना हो गया, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गए। तो हिस्ट्री जियोग्राफी पूछा है कुछ? हाँ, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन मत बताना। सवाल मत बताओ, क्वेश्चन से एक क्वेश्चन था। अच्छा, ठीक है, पॉलिटिक्स। अच्छा, पॉलिटिक्स से भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब ज्यादा पुराने में नहीं जा रहा है, हिस्ट्री वगैरह में नॉर्मली जो स्टैटिक। चलो बहुत बढ़िया, तो तुमने कितने अटेम्प्ट करे टोटल? कितने? 70। तुक्के मारे या नहीं मारे? तुक्के 2000 लग गए होंगे। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग कितने की है? इंस्ट्रक्शन में दे रखा है या नहीं? 1/8 ही है ना पेपर जब दिया था, इंस्ट्रक्शन में दिखा रहा है 1/8 है। 0.25 दिखा रहा है ना, तो मतलब अगर किसी के ज्यादा नहीं हो रहे फिर तो तुक्के मार ही सकता है आदमी। तो आपने मारे या नहीं मारे, सही बताओ? अच्छा, जिनमें लग रहा होगा कि हाँ हो सकते हैं, मतलब 50-50 वाले में। अच्छा, तुम ही देखे भाई? अच्छा, तो एंट्री में क्या प्रोसीजर रहा था? हाँ भाई, हेलो। अरे रुक जा यार, बाद में डिस्कस कर लियो एक बार। एंट्री इधर आ जाओ, एंट्री में बता दो, एंट्री में क्या रहा, क्या क्या मांग रहे हैं एंट्री में? आधार कार्ड, हाँ, आपके पास फोटो होना चाहिए, आपके पासपोर्ट साइज, और आपका ये जो एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड का ऐसा तो नहीं है कलर चाहिए या कुछ चाहिए? आज कोई ऐसा बच्चा था जिसकी एंट्री ना हुई हो, जिसे लौटाया हो? सभी की एंट्री हुई थी। तो बायोमेट्रिक कितनी बार हो रहा है, दो बार या एक बार? दो बार। मतलब एंट्री और एग्जिट दो।